हेलो दोस्तों, आज शुक्र हूँ आपके लिए और एक न्यू वीडियो जहाँ पर आज हम जानेंगे कि कैसे आपका जो वाईफाई है आप उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको कंपनी से जितना भी स्पीड मिलता है, यानी कि आपका प्लान जितना है, मान लीजिए 2 MB है, तो आपको 2 MB तक ही मिलेगा, इससे ऊपर प्लान नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम है जो डिसाइड करते है किसको क्या स्पीड मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको 2 MB प्लान मिलेगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर स्पीड मिल रहा है, मान लीजिए 1.5 MB, 1.2 MB, 1 MB, 1.8 MB, तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आप यूज करके आपका जो स्पीड है उसको आप 2 MB यानी कि मैक्सिमम स्पीड तक ले जा सकते हो आपको वाईफाई स्पीड को। तो वीडियो को देखते रहे आखिर तक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है। तो यहाँ पर फास्ट जो तरीका है वो है कि आपको पता होगा जो वाईफाई राउटर है उसका 2 मोड है, यानी कि 2.5 GHz एंड 5 GHz, तो आप उसको कन्वर्ट करके 5 GHz कर दीजिए। जिसको क्या होगा, जब कन्वर्ट करोगे तो जो वाईफाई का रेंज है वो स्मॉल हो जाएगा, यानी छोटा एरिया में कवर करेगा, लेकिन जो उसका स्पीड है उस छोटा एरिया में मैक्सिमम आपको स्पीड देगा। जब 2.5 GHz रहेगा तो आपका स्पीड, यानी कि थोड़ा जो उसका जो सर्विस एरिया, यानी कि आप बोल सकते हो उसका जो एरिया है वो ज्यादा होगा, लेकिन स्पीड बाई थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, यानी कि मान सकते हो लो मिल सकता है। जब आपका वाईफाई का सेटिंग है उसको 5 GHz पर सेट कर देंगे तो भाई लो एरिया में आपका वाईफाई काम करेगा एंड जो स्पीड होगा कम करेगा एंड जो स्पीड होगा वो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। नंबर 2 तरीका ये है कि आपका जो वाईफाई राउटर आप जहां पर रखे हो उसको ओपन एरिया में लेकर आइए। इसका मतलब है आप मान लीजिए ये जो वॉल है इसके यहाँ पर रखे हो या कोई भी वॉल है उसका साइड पर रखे हो, तब आप वहां पर चेंज करके कुछ ऐसा ओपन प्लेस पर रखिए जहां पर भाई खुला मेला है, यहाँ पर वॉल नहीं है, वहां पर वॉल नहीं है। इससे क्या होगा, आपको वाईफाई का जो रेंज था या जो स्पीड थ्रोट था वो थोड़ा अच्छा मिलेगा, तो आप ये कर सकते हो। नंबर 3, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको पता होगा यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है जो अगर कोई भी आएंगे जिसको हैकिंग के बारे में ABCD भी नहीं पता, अगर वो ये सब वीडियो देख ले एंड छोटा मोटा कुछ ऐप इंस्टॉल कर ले तो भाई वाईफाई को हैक करके, यानी कि पासवर्ड को क्रैक करके वो ये एक्सेस कर सकता है। तो आपका जो वाईफाई है आप तो भाई बार बार एडमिन पैनल ओपन करके नहीं चेक करते रहोगे ना कि कौन सा एक्टिव यूजर है, तो आप कुछ अर्जेंट काम कर रहे हो तो मान लीजिए पहले से कोई यूजर या आपका होम के आसपास कोई है जो वो वीडियो देखकर या ऐसा करके आपका वाईफाई को हैक किया एंड वो यूज कर रहा है, भाई डाउनलोड कर रहा है 1 GB 3 GB का कोई फिल्म या कोई भी डाउनलोड कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो क्या होगा उस टाइम नेट उसके पास चला जाएगा, आपको आपके पास स्लो आएगा, तो आपको उस टाइम लगेगा क्या भाई मेरा जो वाईफाई का स्पीड कम हो चुका है, मुझे सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहे है उसका सर्विस अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए बहुत सारा एप्लीकेशन है या आप बोल सकते सॉफ्टवेयर है जो आपको कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना होगा, जिससे क्या होगा आपके राउटर पर जो भी कनेक्ट होगा वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। उस सॉफ्टवेयर में आप जिसको अलाउ करोगे, यानी कि जिसका IP एड्रेस को अलाउ करोगे वही एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आपका वाईफाई में कोई भी आके भाई जुड़ जाए वो एक्सेस नहीं कर सकता, हर एक के लिए ब्लॉक होगा। जब भी आप उस सॉफ्टवेयर से उसको इनेबल करोगे या उसको अलाउ करोगे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए तब भी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप एक बार चेक कर लेना कि आपका वाईफाई को कोई हैक करके यूज तो नहीं कर रहा है। नंबर 4, तो यहाँ पर क्या है आप भी जान सकते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जब उसको एज हो जाता है, यानी कि 1 या 2 ईयर होता है, तो उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा स्लो डाउन होता ही होगा। तो इसके मामले में आपका राउटर भी सेम है, वाईफाई राउटर, उसका भी अगर एज हो चुका है 2 इयर्स 3 इयर्स, तो मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले उसको बाय मत करिएगा, किसी आपका फ्रेंड या किसी से भी आप एक बार लेकर आइएगा और आपका इंटरनेट से कांटेक्ट करके एक बार चेक कर लीजिएगा स्पीड सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस राउटर से। अगर देख सकते हो भाई जो लाए हो आप वाईफाई उसका स्पीड सही मिल रहा है तो आपको एक नया राउटर बाय करना होगा आपके वाईफाई के लिए। नंबर 5, तो नंबर 5 में क्या है, जिसका वायर वाला ब्रॉडबैंड है, यानी कि वायर आया है सर्विस प्रोवाइडर से, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि भाई वायर जो है कहीं पर 5 तो नहीं हो गया है। अगर कहीं पर भी 5 अगर हो गया आपका जो वायर है तो वहां से स्पीड जो है फैक्चुलेशन कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा स्लो स्पीड मिल सकता है, आपका होम पर भी हो सकता है या बाहर से जहां से आया है वहां पर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी हो सकता है। तो आप एक बार टोटल जो वायर है उसका एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर मिलता है तो भाई वहां पर 5,
तो आप भाई कॉल कर या सिंपल आपका सर्विस प्रोवाइडर का, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जिसका वायरलेस ब्रॉडबैंड है तो भाई आप एक बार चेक करिएगा आपका जो ब्रॉडबैंड यानी कि जो वाईफाई राउटर यानी कि आप बोल सकते जो भी डिवाइस आपके छत पर लगाए या कहीं पर भी लगाए, तो उसको कोई गार्ड तो नहीं कर रहा है या वो थोड़ा सा हिल तो नहीं गया है, क्योंकि देखा गया कि किसी केस में कि भाई थोड़ा सा हिल जाने से वजह से आपका जो वाईफाई का स्पीड है वो डाउन हो गया या कुछ सामने आ चुका है गार्ड आ गया है तो उसके वजह से स्पीड डाउन हो सकता है। तो आप ये सब चेक कर लेना आपके हिसाब से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा या इस जो मैं आपको तरीका बताया इससे थोड़ा सा भी हेल्प अगर हुआ होगा तो भाई प्लीज लाइक करिए। और अगर पहले किसी ने ऐसा यूज करके जो तरीके में बताया अगर हुआ होगा उसका वाईफाई का स्पीड ज्यादा, तो भाई लाइक तो बनता है। तो मैं मिलता हूँ कल किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।